हमने जब ये घर पसंद किया था उसका सबसे बड़ा रीज़न था इसका ये ओपन व्यू। बस यहाँ पे सामने एक बिल्डिंग आता है लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस साइड का पूरा ओपन व्यू मिलता है हमें, जो कि बेडरूम से भी मिलता है और ये साइड भी पूरा ओपन है। लेकिन गाइस ये साइड का व्यू तो रहेगा, पर आई थिंक ये साइड का जो व्यू है ये और कुछ ही महीनों में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप देख सकते हो अभी भी चल रहा है। जब हम लोग शिफ्ट हुए थे तभी से ये चल रहा था। तो ये वाला जो बिल्डिंग है ये इस बिल्डिंग की तरह ऐसा ही कुछ लंबा टावर टाइप का बनने वाला है, तो यहाँ पे वो टावर आ जाएगा तो ये व्यू पूरा चला जाएगा। गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। आज थोड़ा ठिठुरते हुए व्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि मेरे बाल भीगे हुए हैं और ठंडी ठंडी मौसम है। वैसे दुबई में उतना भी ठंडा नहीं है, मुझे तो किसी दिन बहुत ठंडा लगता है किसी दिन उतना ठंडा नहीं लगता। और आज ना ये सुबह से कंस्ट्रक्शन साइट से बहुत ज़्यादा नॉइज आ रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम तो डेली होता रहता है लेकिन इतना नॉइज़ नहीं आता। जिस दिन वो लोग एक एक फ्लोर बनाते हैं, हर महीने एक एक फ्लोर बन रहा है, तो इस महीने आज के डेट पे वो वाला फ्लोर वो बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ आता है जिस दिन फ्लोर बनता है। सुबह से तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया ये आवाज़ सुन के। वैसे थैंक गॉड ये हमारी बिल्डिंग से एकदम करीब नहीं है, हमारा टावर काफ़ी ऊंचा है तो यहाँ से देखने पे सब कुछ ही पास लगता है क्योंकि हम लोग ऊंचाई से देख रहे हैं, लेकिन ये हमारी बिल्डिंग से थोड़ा सा दूर है, दो तीन बिल्डिंग छोड़ के, तो इसीलिए नॉइज़ थोड़ा सा कम है। एकदम साइड में होता तो एक तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ आता और ऊपर से पूरा पास में अगर ये वाला टावर उठता ना तो हमारा पूरा ये जो व्यू है पूरा चला जाता। ये सर्दियों के मौसम में ना एक बार नहा लो तो मतलब ठिठुरना शुरू हो जाता है और उसके बाद मन करता है कि जाके कंबल के अंदर घुस जाऊँ, और कंबल के अंदर घुसते ही क्या होता है, नींद आ जाती है। तो आज तो मैं दोपहर को बिल्कुल नहीं सोऊंगी, अभी मैं कुछ मूवी देखूंगी। अभी मैं इंजॉय करने वाली हूँ पुष्पा और उसके साथ पुली, ये पुष्पा मूवी और ये पुली पीठे। डिनर में ना हम लोग गोलगप्पा खाने वाले हैं, घर में ही सब कुछ तैयार किया है। बस ये जो गोलगप्पा है ये मैं रेडीमेड वाला लेके आई हूँ, आलू फिर थोड़ा सा दही और बाकी सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है। सौरभ भी आ गया है ऑफिस से और देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। हाँ मुझे पता था यही चल रहा होगा। ये देखो यहाँ पे क्या चल रहा है। सिंबी मोटू गुंडू सिंबी, इसको बड़ा मजा आता है ऐसे पेट कर दो तो। सिंबी की जुल्फें देखो, बहुत लंबी लंबी जुल्फें हो गई है उसकी। तुमने ऐसे साइड में कर दिया, कहाँ पता चल रहा है, कैमरे में कुछ नहीं पता चल रहा है। अच्छा ऊपर से उसको थोड़ा सा ऐसे दिखाओ। ये देखो उसके जुल्फें कितने लंबे लंबे। ये रेशमी जुल्फें। यहाँ पे मैं सौरभ से पानी भरवा रही हूँ रोज के मैं ही पी लिया। रोज डिनर से पहले सौरभ जाके ग्लास में पानी भरता है। आज फिर से कपड़े धुले हैं तो हॉल की हालत वही, पर इस बैकग्राउंड में मुझे इसको इग्नोर करना है, कैमरा आज उस तरफ लगेगा। गोलगप्पा गोलगप्पा शुरू करने से पहले मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। मिक्सिंग 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 इसमें बस इमली और कुछ नहीं है।
बस नॉर्मल रखा है मैंने इमली का पानी। और आज सेल्फ सर्विस है, सौरभ कह रहा था कि मुझे गोलगप्पा वो थोड़ा तैयार करके दो। क्यों तैयार करके दो, खुद का खुद बना के खाओ। देखो ऐसे फोड़ना है बीच में से, जैसे पता ही नहीं है किसी को। तुम्हें नहीं पता ना, इसीलिए तो बोल रहे थे कि मुझे बना के सीरियसली मुझे नहीं पता था कि मुझे नहीं पता है, ये सच में नहीं पता यार, बीच में से टूट गया मेरा वाला। देखो ऐसे फोड़ना पड़ता है। इसमें मैंने आलू भर दिया, अभी मैं इसके ऊपर दही भी डालूंगी। दही का भी मिक्सचर बनाया है पुदीना डाल के, और ये इमली का पानी। इमली का पानी पहले बार में नहीं खाया। ये आलू ज्यादा डालना कम डालना है? वो अपने हिसाब से डालो जितना आलू तुम्हें चाहिए। खट्टी है हिंदी वाली। हिंदी तो खट्टी ही होती है, ये कुछ ज्यादा ही खट्टी है। मजा आ गया, कितने दिनों बाद खा रही हूँ मैं गोलगप्पा। दही डाल के ट्राई करके देखो, आलू डालो थोड़ा सा, ऊपर से दही डालो जैसे मैं खा रही थी। इसमें चम्मच थोड़ी ना लगता है। I love चम्मच, मतलब चम्मच। सुपर सुपर गोलगप्पा। इसको कहते हैं विदेश में बैठ के देसी स्वाद। झाल लग गई, झाल नहीं, झाल चाहिए मैम। और सब झाल टल भावे ना। मैं तो जब भी इंडिया जाती हूँ, ये गोलगप्पे वाले इतना ज्यादा तीखा बना देते, मुझे अच्छा नहीं लगता। आज मेरे मन जैसा बना है, जैसा मैं पसंद करती हूँ, बिल्कुल वो स्वाद है इसमें। नहीं, मुझे थोड़ा सा तीखा चाहिए। मैं इसको बंगाली में यही बोल रहा था कि झाल झाल, आई नीड तीखा। तीखा चाहिए तो फिर मिर्ची ले आओ, इसमें वैसे भी बस मिर्ची पाउडर ऐड किया है। गोलगप्पा खा के आज सौरभ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अच्छा लगा। सौरभ को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। सिम्बा तुझे भी खाना था क्या गोलगप्पा? हाँ तुझे भी खाना था क्या? तो अभी रात को और क्या खाना है बताओ? पता नहीं, देखते हैं कुछ। क्या गोलगप्पा खा के दुखी हो गए क्या? गोलगप्पा में लौंका चाहिए, लौंका। झाल झाल। सौरभ को और भी तीखा चाहिए था। तो घर को गोलगप्पे में ऑब्वियसली तीखा नहीं होता तो मजा थोड़ी आता है। मुझे अच्छा नहीं लगता ना तीखा, इसलिए नहीं डाला। और मेरा वो पेट भी खराब हो जाता है ज्यादा तीखा खाने पे। आज 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 सबको मैं ये दिखाऊंगा सिम्बी का। उसके पैर देखो कितने क्यूट क्यूट पैर है सिम्बा के। गुंडी सिम्बी। ऐसे मत पकड़ो उसको। देखो ये अभी अभी सौरभ के चेहरे पे हंसी आई है। गोलगप्पा खा के तो नहीं हुआ था, तो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट ये एग सैंडविच बना दिया, और साथ में फ्रेंच फ्राइज। सॉस चाहिए? कितने दिन बाद एग सैंडविच बना है? हाँ सॉस सॉस चाहिए। आजकल तो संडे संडे हो जाता है, छुट्टी का दिन हो जाता है, उस दिन हमारा वेज रहता है, तो सुबह का कुछ मतलब नाश्ते का ठिकाना ही नहीं रहता। पहले फ्राइडे था तो थोड़ा नॉन वेज खाते थे। सॉस चाहिए? हाँ थोड़ा सा केचप। ये लो, आज तो और भी पहले तुम्हें मिल जाता लेकिन दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहे थे ना। हाँ आज इंडिया से एक दोस्त अबू धाबी में रहता है, एक डिस्कवरी गार्डन में रहता है दुबई में ही। हाँ सब दुबई में ही मतलब, तो उसके बाद और एक, हाँ तो ये सब सबसे वीडियो कॉल पे बात हो रही हाँ, थी एक साथ ग्रुप में, तो उसी में काफी टाइम निकल गया। सौरभ यहाँ पे हॉल में बैठ के बात कर रहा था, मैं रूम में थी, मैं भी अपने भाई से बात कर रही थी। बहुत दिनों बाद है ना बात करके दोस्तों के साथ, ऐसा लगता है कि मतलब पुरानी यादें सारी ताजा हो गई।
सौरभ उस दिन पुष्पा के बारे में बोल रहा था कि उसमें कुछ ज्यादा ही मेलो ड्रामा है, मतलब कुछ ज्यादा ही उसमें दिखाया गया है, ये बात मैं मानती हूँ, मैंने आगे ज्यादा ही बढ़ा। मतलब ओवर 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 हाँ, एक्टिंग, सब सब कुछ उसमें ओवर था, ओवर एक्शन एक्शन। ओवर, एक्टिंग ओवर, लेकिन पता है कुछ चीजें होती हैं जो सिर्फ मूवी में पॉसिबल है, रियल लाइफ में वो पॉसिबल नहीं है। तो पुष्पा कुछ उस टाइप का मूवी है, मैंने बहुत एंजॉय किया। ये ऐसा मूवी है जो हॉल के सीट के ऊपर खड़े होकर ऐसे सीटी मारने वाला मूवी है ये तो ऐसा मजा आता है। वैसे अगर लॉजिकली सोचे तो बिल्कुल बकवास है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा सुन के, ये फिल्म ऐसी चीज होती है ना, इंसान को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर देती है। क्योंकि तुम देखो, ये जो पुष्पा है, इसमें जिसको हीरो दिखाया गया है, ये क्या है, क्रिमिनल है, एक क्रिमिनल है, सिंपल सी बात है। रियल लाइफ में कोई भी उसे पसंद नहीं करेगा बिल्कुल। लेकिन फिल्म में उसको हीरो दिखा दिया है, हम लोगों ने भी मजा ले लिया, हम लोगों का भी कहीं ना कहीं मन में सिंपैथी आ जाता है जब हम लोग मूवी देखते हैं। हम लोग सोचते हैं कि जो हीरो है उसी को जीतना चाहिए, ये वही सही पुलिस, है, बाकी सब गलत हाँ है। वही सही है, जो पुलिस है ये तो गलत है, ये पुलिस क्यों यहाँ पे आ गई, ऐसा लगता है। लेकिन रियल लाइफ में एक क्रिमिनल को तो लोग कभी नहीं सपोर्ट करेंगे, तो यही होती है फिल्म की माया, क्रिमिनल को भी हीरो बना देते हैं। तो अभी नेटफ्लिक्स देखना है या प्राइम देखना है, मूवी देखना है या सीरीज देखना है, क्या देखना आई है? थिंक प्राइम में ही कुछ अच्छा मूवी चल रहा है, देखना पड़ेगा। हम लोग एक सीरीज देख रहे थे ना, वो टाइम ऑफ विल करके कुछ, व्हील ऑफ टाइम, हाँ व्हील ऑफ टाइम, मेरा सब नाम का इधर का उधर हो जाता है, वो आप इग्नोर मारिए मेरे साथ वैसा है, तो वो देखना है क्या उसका तो? हाँ वही देखते हैं थोड़ा, नहीं तो फिर कुछ और मूवी चला लेंगे ना, बॉलीवुड हाँ, हिंदी में देखते हैं पहले अभी क्या चल रहा है। आज के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मैंने कितना टीवी के सामने टाइम स्पेंड किया, गोलगप्पा खाया, सौरभ को सैंडविच बना के दिया, और अभी हम लोग फिर से टीवी देखने बैठेंगे। तो ऐसे ब्लॉग देख के कैसा फील होता है पता है, कि अरे ये लोग क्या है, बस टीवी देखे जा रहे, खाए जा रहे, टीवी देखे जा रहे, खाए जा रहे, और तो कुछ है ही नहीं लाइफ में। गाइस एक्चुअली लाइफ में और भी बहुत कुछ होता है, ये तो छोटा सा पार्ट है हमारे लाइफ का जो हम व्लॉग में शेयर करते हैं। घर का सारा काम हम दोनों को ही करना पड़ता है, ये सैंडविच मैंने बनाया है, ये फ्राइज मैंने बनाया है, गोलगप्पे की तैयारी मैंने की है, और ऑलमोस्ट 90% सब कुछ तो यही कर दिए, मैं तो बस सौरभ का थोड़ा ऑफिस बहुत कर रहता है ना, दूंगा। वो करेगा कब, पर हाँ रात को बर्तन धोने में वो मुझे हेल्प करता है। हेल्प क्या, वो धो के देता है, आज तो वैसा कुछ खास बर्तन है नहीं, तो आज सौरभ की छुट्टी बस तुम अपना सैंडविच एंजॉय करो, और सैंडविच एंजॉय करते करते कुछ चला देती हूँ। ओके चलो सो गाइस, आज का ये ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।